मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश में डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। देखा जाए तो गोविंद सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी पूरी करने के लिए यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस गोविंद सिंह के माध्यम से ग्वालियर चंबल में जमीन मजबूत करेगी और 2023 के चुनावों के लिए तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। फिलहाल गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा बयान दिया है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 2023 के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ साथ अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कमजोर पड़ी कांग्रेस के सवाल पर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस कभी कमजोर नहीं है, कमजोर तो सिंधिया है। अगर सिंधिया इतने बड़े होते तो एक साधारण कार्यकर्ता से इतनी बुरी तरह नहीं हारते। और ये भी कहा कि सांचल में सिंधिया को कभी ना चैलेंज के रूप में माना है और ना कभी मानूंगा। सिंधिया को सिर्फ उन लोगों ने चैलेंज माना है जो उनकी चरण वंदना करते हैं। मैं तो सिंधिया जी को, आपको पता है, कभी चैलेंज ना माना है ना मानता हूँ। और सिंधिया जी अगर चैलेंज होते तो एक अपने साधारण से जो उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया था उससे इसे 1 लाख से ऊपर क्यों हार जाती। ये तो मीडिया द्वारा और लोगों के द्वारा सामंती परंपरा में जिनका विश्वास है वो सामंत की चरण वंदना करने का काम करते रहे। इस दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस की चुनौतियां जनता की समस्या हल करना है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। ऐसे में कांग्रेस जनता की आवाज सदन में और सदन के बाहर बुलंदी के साथ उठाएगी। गोविंद सिंह ने कहा कि इस बार कांग्रेस 2018 से बेहतर परफॉर्म करेगी और सत्ता में वापसी करेगी। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, अब गुटबाजी तो बीजेपी में है, क्योंकि सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में पहुंच गए हैं, जिससे बीजेपी का मूल कार्यकर्ता हताश और निराश है। सिंधिया बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं तो जाहिर है गोविंद सिंह अब सिंधिया विरोध में खुलकर बोल सकेंगे। ऐसे में आगामी चुनाव में ग्वालियर चंबल की राजनीति में होने वाली उठापटक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अब देखा जाए तो गोविंद सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी पूरी करने के लिए ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस गोविंद सिंह के माध्यम से ग्वालियर चंबल में जमीन मजबूत करेगी और 2023 के चुनावों के लिए तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गोविंद सिंह सिंधिया की कमी पूरा कर पाएंगे, क्या कांग्रेस को गोविंद सिंह से फायदा हो पाएगा। हालांकि इन सवालों के जवाब तो समय के साथ खुद ब खुद मिल जाएंगे। ऋचा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज।